गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं द फैक्ट टाइम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गांधी जी के बारे में टॉप 15 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी और उनकी माता का नाम था पुतली बाई। फैक्ट नंबर 2, भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। फैक्ट नंबर 3, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर ही भारत को आज़ादी दिलाई थी। फैक्ट नंबर 4, सन 1944 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने रंगून रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। फैक्ट नंबर 5, गांधी जी हमेशा सिंपल रहते थे, बहुत ही साधारण रहते थे। वो हमेशा धोती पहनते थे, सूट से बनी हुई शॉल पहनते थे और वो हमेशा शाकाहारी भोजन ही करते थे, यहाँ तक कि वो अंडा या फिर दूध का सेवन भी नहीं करते थे। फैक्ट नंबर 6, 1915 में भारत वापस आने से पहले एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों और अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया था इन्होंने। फैक्ट नंबर 7, जब भारत वापस आए थे गांधी जी 1914 में, तो 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। ये दोनों आंदोलन गांधी जी के बहुत बड़े आंदोलनों में से एक है। फैक्ट नंबर 8, भारत को स्वतंत्र कराने के संघर्ष में गांधी जी बहुत बार जेल भी गए थे। फैक्ट नंबर 9, सन 1833 में 13.5 साल की उम्र में 14 साल की कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी जी की शादी हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, गांधी जी की 4 संतान थी जिनका नाम था हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। फैक्ट नंबर 11, 1983 से 1914 तक 21 साल तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। फैक्ट नंबर 12, गांधी जी एक बार जब साउथ अफ्रीका में एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तभी वो गलती से प्रथम श्रेणी में घुस गए थे। सो उनको उनका टिकट क्योंकि गलत वैध था इसलिए उनको कहा गया तीसरी श्रेणी में जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया तीसरी श्रेणी में जाने से। सो उनको धक्का मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, वो भी चलती ट्रेन से। फैक्ट नंबर 13, 1914 में जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए महात्मा गांधी, सो उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। फैक्ट नंबर 14, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, हरिजन आंदोलन और सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के बाद भारत को आज़ादी मिली। फैक्ट नंबर 15, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे नाम के एक आदमी ने सरेआम महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां भी उनके सीने में मार दी और महात्मा गांधी का जो अंतिम शब्द था उनके मुंह से निकला वो था हे राम हे राम। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।